रात को प्यासी जवानी बनके कहाँ घूम रहे बे? इसीलिए तो आया हूँ तेरे पास, बुझा दे मेरी प्यास। दम फाइट बहुत दिन हो गए यार। वही मैं सोच रहा था, पूरी रात क्वांटम फिजिक्स छाटते हुए कैसे कटेगी। लेकिन इस बौछाड़ का पहला शिकार कौन होगा? बौछाड़ का पहला शिकार वो जो भीगने पर हीरोइन की तरह घुटने ना टेक दे, बल्कि हीरो की तरह तेरी माँ बहने कर दे। मिल गया शिकार। कितने कितने तूने सांप की पूंछ पे नहीं मेन पॉइंट पे पैर रखा है। क्या चल रहा है बे? अरे नहीं, H3 चलता है। सुना जब कुत्तों पे पानी पड़ता है ना, उनको बहुत तकलीफ होती है। कौन है बे? तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। इसकी माँ का अकेले डूबेगा या पूरे रूम को साथ में लेके डूबेगा? ये देख अन्नी, अकड़ पकड़ खींच के पकड़, कर साले को, चोर साले पे, भौंक साले को, कसी साला। साले लूजर्स। अबे लूजर होगा तेरा बाप। यादों का सफर जारी रहेगा 90s के गानों के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त। बहुत लेट हो गया यार। खाना लगा दें? राघव ने खाया है? खाते कहाँ है कुछ। जब से एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का टेंशन उन्हें खाया जा रहा है। कहाँ है? नहीं, खाना लगे। सो गया क्या? अबे तू सोने देगा तब ना। यार एक डाउट क्लियर करना था। आई प्रॉमिस लास्ट टाइम। यही ना। इस साल का एंट्रेंस एग्जाम ज्यादा टफ था कि लास्ट ईयर का? सिर्फ तेरा मैच अच्छा गया कि सबका अच्छा गया? सबकी फिजिक्स में लगी है कि सिर्फ तेरी लगी है? यही पूछना है ना तुझे भाई। सॉरी यार, थोड़ा टेंशन हो रहा था। तो अकेले टेंशन क्यों ले? सूरज को भी जगाते हैं ना। हाँ बोल राघव। सो रहा था क्या? नहीं, अभी अभी बबल बात लेके निकला हूँ। बोल। अपने राघव को ना रिजल्ट का टेंशन हो रहा है, कुछ करना भाई। यार माना कि हम तेरे 2 AM फ्रेंड्स हैं, पर अब तो इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। यार देख, तीर कमान से निकल चुका है। अब कुछ दिन में पता चल ही जाए कि किसका तीर निशाने पे लगा और किसकी लग गई है। प्लीज सो जा और सोने दे यार। कैसा मास्टर? जब तक अच्छा खाना मिल रहा है ना, खा लेना चाहिए। सॉरी पापा। अबे सॉरी नहीं बे, कुछ दिन में तू हॉस्टल जाएगा। और हॉस्टल के मेस का खाना कैसा होता है पता है? ये हलक के अंदर काम बाहर ज्यादा निकलता है। वो खाना भी खा लूंगा पापा, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। अरे क्यों नहीं होगा? पूरी पढ़ाई करी है तूने, एग्जाम अच्छे गए, बेकार में टेंशन ले रहा है तू। आपको नहीं हुई थी क्या टेंशन? आपको कैसे होती टेंशन? आप तो जीनियस थे, ऑल इंडिया रैंक 384 आई थी आपकी। मैं तो 2000 के अंदर भी सिलेक्ट हो जाऊँ ना तो पागल हो जाऊंगा। पिछले 2 महीने से ना तूने ये सब सोच के ना अपना दिमाग खराब करके रखा हुआ है, पता तुम्हें। इससे अच्छा तो एक गर्लफ्रेंड बना लेता। तुझे पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में कितनी शॉर्टेज है लड़कियों की? मम्मी तो वही मिली थी ना आपको। अबे मम्मी वही मिली थी। सबकी किस्मत आपके पापा की तरह खराब नहीं होती, ठीक है? चल शुरू कर। आज मम्मी के घर ड्रॉप करने आप जा रहे हो, इतनी मेहरबानी किस लिए? सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम तेरे साथ और बिता लूं। अभी कुछ दिन में तू हॉस्टल चला जाएगा और आज का दिन तेरी माँ खा लेगी। ऐसा मत बोलो यार, मेरा भी मन करता है उनसे मिलने का। अरे सब पता है मुझे, सिर्फ खाना दबाने जाता है तो वहाँ पे। कुछ भी बहुत देखे तेरे जैसे। हॉस्टल में 2-2 मिल्कशेक पे बिक जाते थे। आपके पास कोई बेटर प्लान है तो बोलो, नहीं जाऊंगा। प्लान तो मेरे पास एक से बढ़कर एक है बेटा, तू भी जानता है। पर जा, बेचारी वेट कर रही होगी। बेचारी, हाँ। डिवोर्स हो गया लेकिन फिर भी कुछ तो है आप दोनों के बीच में। तू है ना। चलो अब हाय तो बोल दो। नहीं बेटा, जाके तू ही उसकी हाय ले। अच्छा सोच, कुछ अच्छा बना होगा तो पैक करा लेना। जाना ठीक से खाना। कुछ दिनों में भी रिजल्ट आने वाला है। हाँ तो आपको क्या लगता है मेरा होगा? मुझे लगता है तेरा नहीं भी हुआ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा को लगता है मेरा हो जाएगा। ये अनिरुद्ध भी ना। सुन, पापा की बातों का कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि पापा को भिंडी कितनी पसंद है। हाँ, बनाई है एक्स्ट्रा। लव यू बाप का चमचा। फोन पे लगा रहे। कैसा चैंपियन? ये आपके लिए। अरे ये सब छोड़, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। अरे जिस दिन तेरा रिजल्ट आएगा ना, बाप बेटे मिलके सेलिब्रेट करेंगे, पूरा पिएंगे। पापा अब आप मुझ पे प्रेशर बढ़ा रहे हो। इस साले, इससे प्रेशर बढ़ता नहीं है, इससे प्रेशर घट जाता है यार। हाँ तू चला जाएगा तो तेरी सिर्फ यादें रह जाएंगी ना मेरे पास। सब ठीक होगा। चलिए कल की ही बात है, कल की ही बात है, बाहों में पहली बार आया था तू। जिनसे अनजान था वो सारे जज्बा लाया मुस्कानों में तेरी लिपटी थी सौगातें, होठों पे खामोशी, आँखों में हजार बातें, वीराने में बहार लाया था तू बाहों में पहली। क्या हो गया, इतना क्यों टेंशन ले रहा है? तू भी देख यार। यार डोड़ है तू, चल मार। क्या हुआ? तेरे तो पेपर्स भी अच्छे गए थे ना यार। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है अनिरुद्ध। मैंने अभी राघव से बात की, वो बहुत रो रहा था। मैंने भी उसको बहुत समझाया, सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या नहीं किया यार मैंने, सबको छोड़कर 18 घंटे पढ़ाई की, फिर भी मेरा नहीं हुआ। अरे इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। तुम हर बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? तुम हर बात को इतनी सीरियसली क्यों लेती हो? वो सतीश साल भर मुझसे पीछे रहा और उसका हो गया। सब हंस रहे होंगे मुझ पे। राघव, और अब मैं मॉम डैड को कैसे फेस करूंगा? मैं जा रही हूँ उससे मिलने। तुम कब आ रहे हो? बस मेरी मीटिंग है, बस उसको खत्म करके आ रहा हूँ। तुम बस अपनी मीटिंग्स ही करते रहो। मॉम रैंकर, डैड भी रैंकर, बेटा लूजर। यार चल कर यार, तू समझ नहीं रहा यार। पूरी जिंदगी सोचे के टैग के साथ जीना पड़ेगा। अब तो कुछ ज्यादा ही लोड ले रहा है। नहीं यार, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। And then you have to measure it quarterly for sure. So we have to make sure. Just a second. But I'm in a meeting. I'll call you back. I do this for. Huh? Call the कैसे हो गया? बहुत अपसेट था अंकल, कह रहा था आप उसे लूजर बुलाएंगे। मैंने उसे बहुत समझाया, even before I could react he jumped. I'm sorry अंकल। काश मैंने राघव की कस्टडी तुम्हें नहीं दी होती। तुम्हें क्या लगता है ये जो हुआ मेरी वजह से हुआ है? बेचारा बच्चा इतने प्रेशर में था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। He's tried to commit suicide. मुझे कैसे पता चलेगा माया? वो इतना बड़ा स्टेप उठा लेगा। तुम्हें पता ही क्या आदमी अपनी मीटिंग्स और अपने काम के अलावा ना तुमने मुझे समझने की कोशिश की ना अपने बेटे को। प्लीज चुप हो जाओ सब सुन रहे हैं, प्लीज चुप हो जाओ। सुनने दो, उन्हें भी पता होना चाहिए कि कितने इर्रेस्पॉन्सिबल फादर हो तुम। तुम्हारी वजह से मेरा Stop it! Her son is not dead. Excuse me. Please come with me. मैं आप दोनों को झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। आपके बेटे को ब्रेन में सीवियर इंजरी हुई है, मल्टीपल ऑर्गन्स भी डैमेज्ड हैं। फिलहाल तो हमने सर्जरी करके इंटरनल ब्लीडिंग रोक ली है और ब्रेन से क्लॉट्स भी निकाले हैं, बट दैट्स नॉट ऑल। उसे ब्रेन में कॉन्ट्यूजन्स हैं, अगर ये कॉन्ट्यूजन्स बढ़ते हैं तो ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ जाएगी, जिसके लिए हमें एक और सर्जरी करनी पड़ सकती है। फिलहाल तो हमें उसे आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा टिल ही स्टेबलाइजेस। ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। बच तो जाएगा ना? We are trying our best. एक बार जाके मिल सकते हैं क्या? प्लीज एक बार। मुझसे नहीं देखा जाएगा, तुम जाओ। This is not fair, yeah. Raghav, जी भर के गालियां रिकवर कर रहा है तुझे। 2 साल से नाटक देख रहा हूं यार तेरा। और वो मेरा वॉक टेस्ट मुझे नहीं देखो। एक बार एग्जाम हो जाए तो छुट्टी मनाने चलेगा। और मेरी कंबाइंड स्टडी है, मेरे पास वक्त है आपसे बात करने का। अरे यार 2 साल से तेरा बाप वेट कर रहा है यार, और कितना वेट करेगा तेरा बाप? के कारण उसको सेप्सिस हुआ है। इसलिए किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है, सो डायलिसिस पे डाला है। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न मिस्टर पाठक, लेकिन दवाइयां सिर्फ एक हद तक काम कर सकती हैं। द पेशेंट ऑल्सो नीड्स टू रिस्पॉन्ड। राघव की बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहां क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स बच जाते हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं। आपके बेटे का केस उससे उल्टा है। लुक्स लाइक वो जीना ही नहीं चाहता, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। लुक्स लाइक वो जीना ही नहीं चाहता, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। कह रहा था सब उसे लूजर बुलाएंगे। साले लूजर्स। अबे लूजर होगा तेरा बाप। तुम्हें पता भी है कितना स्टूपिड आइडिया है? मुझे नहीं पता माया, पर मुझे इतना पता है कि वो जिंदा इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि अपने आप को लूजर समझ रहा है। और ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता माया कि इंसान लूजर का टैग पहनता भी खुद है और उतारता भी खुद है। कैसे बताओगे उससे? सुन सकता है वो तुम्हें? पता नहीं। पागल हो गया तुम? तुझे लगता है ना बेटा कि तू लूजर है? तुझे आज मैं बताऊंगा कि तेरा बाप कितना बड़ा लूजर था और उसने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल जिनके साथ गुजारे थे, वो सब कितने बड़े लूजर थे। नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। सब कहते थे इसमें घुस गए तो जिंदगी बदल जाएगी। पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी बदलने वाली थी। नेक्स्ट। अनिरुद्ध पाठक। अन्नी अन्नी अन्नी। अरे अन्नी नहीं, अनिरुद्ध पाठक। हॉस्टल लाइफ है ये भैया। यहाँ पे देश पांडे का डिस्पो हो जाता है, पटवर्धन का पट्टू हो जाता है, चौधरी का चो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखो ना। अन्नी 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 अन्नी। अरे रे रे रे, क्या वो लिस्ट में नाम नहीं है? अरे भैया नाम नहीं होता तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि आपको हॉस्टल नंबर 4 अलॉट हुआ है, H4। हाँ तो? इस इंस्टीट्यूट के जो सबसे बड़े वाले निकम्मे हैं, नाकारा हैं और वो नालायक, हाँ नालायक प्राणी है, वो H4 में पाए जाते हैं। पूरे इंस्टीट्यूट में उनको लूजर्स के नाम से बुलाया जाता है। लूजर्स? भैया हमारी मानिए अगर आप, तो बगल के काउंटर में हॉस्टल चेंज की अर्जी डाल दीजिए। हाँ अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो हॉस्टल चेंज हो जाएगा आपका, वरना लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। अरे चाचा हमारी दाढ़ से ना तिहाड़ हिल जाता है। ये हॉस्टल पर क्या चीज है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जाओ जाके चक्के देख लो, फिर भाग के चले आना। ये काउंटर कहाँ भागा जा रहा है? और मैं सोच रहा था कि आखिर इतना भी क्या बुरा हो सकता है H4 में। आगे कमो मुजरा करने है? घंटे कितना लेती है? What's happening, guys? अरे सर सिल्क्स में था। वो GH4 के सीनियर्स थे। उससे बड़ा तो अपना गुसल खाना EH4 का कमरा था और ये H4 का खाना था। एक्सक्यूज मी, ये आलू है या कद्दू? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। बस मैंने डिसाइड कर लिया था। मैं दो बातें सोच के घबरा रहा था। एक, अगर हॉस्टल चेंज नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? दो, जब तक हॉस्टल चेंज नहीं होता मेरा क्या होगा? रॉड से ठोकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करके मुतवाते हैं, नंगा करके बियर बोतल पे बैठाते हैं। हाँ बेटे इधर आओ, तू मरमेड है और तू है बगुला, तेरा ना इस पे दिल आ गया। तुझे बड़ी हंसी आ रही है, इधर आ। क्या नाम क्या है तेरा? अनिरुद्ध पाठक। अन्नी अन्नी। तो बेटे अन्नी एक काम कर, पोल डांस करके दे। डंडे पोल बन। चलो बेटा अन्नी शुरू हो। और मैं सोच रहा था कभी ये नचाई बंद होगी और असली टुकाई शुरू होगी। ऐसे करते हैं डांस। तू हट, मैं दिखाता हूँ। पर मेरे ख्यालों में पलने वाली वो भयानक रैगिंग कभी शुरू ही नहीं हुई। म्यूजिक। इन सीनियर्स के अंदर इतना हरामीपन था ही नहीं कि वो अपने जूनियर्स को सिर्फ इसलिए मारते पीटते क्योंकि वो हेल्पलेस थे। ऑल दे वांटेड वाज सम हार्मलेस फन। ये था लूजर नंबर 1, सेक्सा। सेक्सा? वो उसका निकनेम था क्योंकि उसके दिमाग में वो एक ही बात पूरे टाइम होती रहती थी, सेक्स। करेक्ट। कंटिन्यू। वो हमारे हॉस्टल का सबसे बड़ा हवस का पपीता था। क्या लेगी कब? प्ले बॉय डेबोनेट दफा 302 मस्तरा में रंगीन रातें, रीजनल भी है। हॉस्टल के पॉन शोज में उसकी फ्रंट सीट फिक्स थी और हॉस्टल के एनुअल पॉन ऑक्शन का सबसे बड़ा बिडर था ₹1.25। सेक्सा। ₹1.50। ₹3। ₹3.1। ₹3.2। ₹3.3। Call the doctor. क्या हुआ सिस्टर? His BP is fluctuating. Means? आप प्लीज बाहर जाइए, डॉक्टर विल मॉनिटर हिम, प्लीज। हेल्प नहीं, हार्म कर रहे हो तुम उसे। Okay. ऐसे होता है जब पेशेंट होश में आने की कोशिश करता है। Thank God. सिर्फ होश आया है, कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई है। By the way, ये सेक्सा कौन है? वो सुन रहा था। डॉक्टर। ठीक हो जाए यार, सब ठीक हो जाएगा। पापा क्या बोलना? सच है क्या? क्या लूजर्स, सेक्सा, पॉन। हाँ सब सच है। सच है ना भाई? सब सच है, सब है इसमें। यार उसको कहानी अच्छी तो लग रही है, सच्ची नहीं लग रही। उसे होश तुम्हारी कहानी की वजह से नहीं, डॉक्टर के ट्रीटमेंट की वजह से आया है। ठीक है, तो फिर डॉक्टर्स को और दवाइयों को उनका काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो। ट्रीटिंग आवर्स उनके, विजिटिंग आवर मेरा। एक बार ये सेक्सा यहाँ आ जाए ना तो बात बन सकती है। सेक्सा यहाँ? हाँ। तुम्हें पता भी है वो कहाँ है? अरे ऐसे काम में क्या बिजी हो गया यार कि अपने दोस्तों के टच में नहीं रहे। चलो कहीं तो होगा, गूगल पे होगा, फेसबुक पे होगा, टिंडर पे होगा, पर उसको ढूंढूंगा कैसे? सेक्सा का असली नाम क्या था? तुम्हारे हॉस्टल से था, तुम्हें पता होना चाहिए। अरे नहीं, लेकिन हम लोग हॉस्टल में तो सेक्सा सेक्सा ही बोलते थे ना उसको। सेक्सा का असली नाम क्या था? ममता कुलकर्णी। एक्सक्यूज मी, ये गुरमीत सिंह ढिल्लो कहाँ मिलेगा? फादर गुरमीत सिंह ढिल्लो सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गोरा चिट्टा सा है, गोल मटोल, घुंघराले से बाल हैं उसके। और सेक्सा? अंकल रूम नंबर 152। सेक्सा गुरमीत सिंह ढिल्लो, उस दिन पता होता तो बच जाता साला। तो ये पढ़ाई हो रही है? नहीं डैडी जी, वो फ्रेंड्स की है। फ्रेंड्स की है? और तुझे सेक्सा क्या बुलाते हैं? वो मैं बहुत सेक्सी दिखता हूँ ना इसीलिए। So that's the point I'm trying to make here, gentlemen. If you see the global trends, that's where the market is headed. That's why you guys need our... Excuse me, sir. There's a call for you. Not now. He said to tell you he's someone from Hostel 4. Excuse me. Hello? Am I speaking to Gurumeet Singh? Yes. Sexa saale, मैं अन्नी बोल रहा हूँ। ओ साली कम्मो, तू बैन की टकी कुत्ते की लैंडी बैन। Excuse me, gentlemen. Shall I cancel all my meetings for the next week? Any problem, sir? I have to go to India. कैसी है कम्मो? कभी सोचा नहीं था यार अपना रियूनियन ऐसे होगा। कैसे छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। ये राघव बेटा, तेरे से मिलने कौन है? पहचाना? क्या लेगी कम्मो, प्ले बॉय, डेबोनेर, मस्तराम, दफा 302 या रंगीन रातें? बड़ी स्मार्ट है तू कम्मो। शुक्र है चोट यहाँ लगी, यहाँ नहीं वरना भारी चोट हो जाती। मैं तेरे बाप का सीनियर था और पता नहीं क्यों इसे हॉस्टल चेंज का भूत सवार था। सर, वो हॉस्टल चेंज का कब तक पता चलेगा? सबका बायोडाटा गया है बाकी हॉस्टल्स में। आपको अगर किसी ने सिलेक्ट कर लिया तो मिठाई बांट देना, नहीं तो जैसे कट रही है वैसे काट लेना। क्या हुआ कम्मो, वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं? सब तो क्या उखाड़ लेगा हॉस्टल चेंज करके, अच्छे रूम में रह लेगा, अच्छा खाना खा लेगा, लेकिन रात को तेरा बंटी तो तेरी चड्डी में सोएगा। बंटी नहीं समझा? मैं समझाता हूँ। देख भाई, इंजीनियरिंग लाइफ में ना दो चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्रेन और बंटी। ब्रेन के लिए ना यह बहुत हरियाली है, लेकिन बंटी के लिए अकाल है भाई, सूखा पड़ा है, बनती ही नहीं आती इंजीनियरिंग कॉलेज में यार। बॉय गर्ल रेशियो 40:1। सिंपल गर्ल, गला काट कंपटीशन, हाई फाई गर्ल, नस काट कंपटीशन। बहुत मुश्किल है यार। मॉडल मटेरियल भाई तू बड़ी उम्मीदें लेके आया नहीं। ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ मॉडल मटेरियल ना हेलीस कॉमेट की तरह आता है 76 साल में एक बार। मॉडल मटेरियल हो तेरी हेलीस कॉमेट। उस दिन मैंने माया को पहली बार देखा था। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। उसके बारे में ना सोचियो भी मत। क्यों? दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा। हेलो पढ़े चलो, दूरिया फिलहाल है। आगे से स्ट्रेट फिर बैक। ओ खैरियत पूछो कॉफी, माफी पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। नहीं देखा जाता ना मुझसे वो देख। और कुछ मैम? डिमांड में तो अभी भी है। टाइम्स अप, लेट हिम रेस्ट। तू आराम कर कम्मो, हम लोग कल मिलते हैं। ऐसा क्या हो गया यार, जिसका हाथ पकड़ने के लिए तूने इतनी फाइट मारी, उसका हाथ तूने कैसे छोड़ दिया है? अगर मम्मी और एसिड नहीं होते तो तेरी गाड़ी कभी स्टार्ट ही नहीं होती। एसिड और मम्मी बुलाएं क्या? दोनों को आएंगे क्या? उनका बाप भी आएगा। बाप, यू वॉन्ट बिलीव कि मम्मी के पप्पा मेरे और एसिड के पास क्या रिक्वेस्ट लेके आए थे। याद है? एक्सक्यूज मी, आप लोग सीनियर हैं जी? ये मेरा बेटा है सुंदर। अंकल ये आपका बेटा? माँ पे गया है। एक रिक्वेस्ट करनी थी। अरे डोंट वरी अंकल, हम रैगिंग नहीं करते। अरे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी क्लास ले। देख रहे हैं ना, पूरा दिन मम्मी मम्मी करते रहता है, अरे अपने अंडरवेयर तक खुद नहीं धोता है। तेरी मेहरबानियाँ फिर देखकर रोता है, अपनी माँ के पल्लू से बंधी हुई गाय बनकर रह गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे संटी मार मार के शांत बना दीजिए। डोंट वरी पप्पा, आप जाइए। थैंक यू, थैंक यू पप्पा। आप इधर आइए। इंट्रो दे। नाम क्या तेरा? बहरा है क्या? सीधे खड़ा हो। नाम क्या तेरा? मम्मी। मम्मी। ये था लूजर नंबर 2 मम्मी। Hey buddy, Ani and I were batchmates. तब साले को एक्सीडेंट नहीं था। Come on, 20 साल से US में हूँ। What do you expect? रुक जा, वो एसेट भी आ रहा है, वो तेरा सारा एक्सीडेंट निकाल देगा। Oh God, acid is bad news. माँ की गाड़ी आती है? बाप की? बुआ, फूफा जी, ताऊ, दीदी, मौसी। अबे चोमू, कोई भी गाली आती है तुझे? हाँ, इसको दे। कुत्ते? सॉरी, ये गाली है? सिली फेलो, इडियट, ये भी बोल दे। सिली फेलो। हर साल गंदा माल आता है। मम्मी भोला था और एसिड क्या आता है? आग का गोला था। स्कूल में टॉप करने वाला एसिड इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर पिछड़ गया था। अंदर एसिड भर गया, नाम एसिड भर गया। लूजर नंबर 3। कैसा है बच्चा? और मम्मी कैसी है तू? सुना है तुझे एक्सीडेंट आ गया आजकल। एसिड और सेक्सा ने मुझे बहुत परेशान किया था। मैं बहन के टके, मोम की गुड़िया थी तू, मर्द बनाया तुझे हमने। और वो भी इसके बाप ने रिक्वेस्ट की थी, याद है? बेटा ये जब हॉस्टल आया था ना, इतना बड़ा चोमू था ये वो सच चोमू। मतलब तूने लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात बता, हिलाता है? व्हाट सर? अबे छोटे नवाब के साथ गुफ्तगू करता है। सर आई डोंट नो एनी नवाब। अबे डू यू मास्टरबेट? नो। क्यों? तेरे बाप ने ताला लगा रखा है क्या? पाप लगता है सर। इसका मतलब मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। भाई तू ना पापी होके हॉस्टल में आ गया है। तू एक काम कर, तू गर्ल्स हॉस्टल जा और लड़कियों के कपड़े लेके आ। चुरा के लो। अबे चोमो मर चुराते हैं, मांग के लेके आते हैं। सर ये बहुत सीधा है सर, इससे नहीं हो पाए। अच्छा तू बहुत टेढ़ा है क्या? इधर आ गया, फ्रेश ही है ना तू? अब तुम दोनों जाओगे। नहीं सर मैं तो इसको जानता हूँ। जाते हो कि निकालू चप्पल में? हाँ होटल घुसाऊं मैं? अच्छा सुनो, देखना अगर कच्चा भी मिल जाए। भाई ट्राई करने में कोई हर्ज है? छी, एक बात बोलूं, वहाँ लड़कियों से कपड़े ना तुम ही मांग लेना। अबे तुम स्मॉल टाउन लड़कों की यही प्रॉब्लम है, लड़कियों से बात करने में पड़ती है। लेकिन तुम लोगों की भी क्या गलती है भाई? साथ में उठना बैठना तो कम होता होगा ना? साथ में ले साथ, कुछ नहीं तो मुझसे सीख। कॉन्फिडेंस पैदा कर भाई, कॉन्फिडेंस। कैसे? अबे ऐसे। एक्सक्यूज मी। यस। हाय बड़े ना। सॉरी सीनियर्स। नो क्या कर रहा है भाई? Are you okay? वो हमारे सीनियर्स ने लड़कियों के कपड़े लाने के कहा, लेके नहीं गए ना तो वो मैं बहुत धोएंगे। क्या आप लड़कियों के कपड़े दिला सकती हो प्लीज? बस ये इतना क्यों घबरा रहा है? पहली बार लड़की से बात कर रहे हो। वो स्मॉल टाउन से है ना, लड़कियों देखती इसकी फट घबरा जाता है बस। अभी लाइक फिर ज्यादा लगेगा। कॉन्फिडेंस भाई प्लीज किसी को मत बताना ना यार, प्लीज भाई हॉस्टल में इज्जत खराब हो जाएगी। एक महीने तो पूरा 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 गलती से हो गया। एक शर्त पे। क्या? सेक्शन एंड लेडीज इन अवेयर भी मंगाया था, उसका क्या करना है? पूरा ये मरिया पिंटो का और ये माधवी त्रिपाठी। मम्मी तो छुपी रुस्तम निकली वे। और ये सर आपके लिए विथ लव दुलारी पित्रोदा। दुलारी जेंट्स का क्या पहनती है? अब अंदर से कौन कैसा होता है हमको क्या पता। की फर्क पड़ता है। ओ यार 2 दिन से नहीं सोया। सर स्मेल अच्छा है पर मम्मी का कच्चा है। सालो हराम खोरो। आज भी उन दिनों को याद करता हूँ तो लगता है कि वो दिन भी क्या दिन थे। मखमली पिछवाड़ा, मखमली पिछवाड़ा H4 के सीनियर्स को, H4 के सीनियर्स को प्रदान करता हूँ, प्रदान करता हूँ। जिएंगे H4 के लिए, जिएंगे H4 के लिए और मरेंगे H10 की लड़कियों पे, और मरेंगे H10 की लड़कियों पे। अच्छा डोंट माइंड, मैं उस दिन थोड़ा सा नर्वस हो गया था, थोड़ा, बट इट वाज क्यूट। थैंक यू। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी जवानी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे। पढ़ ले भाई, वो जो सीनियर्स है ना उन लोगों ने बोला कि आपके साथ कॉफी पीनी पड़ेगी वरना बहुत धोएंगे। मैं कॉफी नहीं पीती। हाँ तो ठीक है ना, चाय पी लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 चाय स्पेशल हो। अंदर से वो तेरे को गाली देके गया है, माँ बहन की गाली देके गया है, क्या बोलेगा अंदर से बोल। आज क्या हुआ? आज सीनियर्स ने बोला है कि तुम्हारे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी। मैंने बोला मूड नहीं है तो फिर उनका मूड खराब हो जाएगा। अन्नी की यही बात दूसरों से अलग थी, उसने कभी मुझ पे गिव अप नहीं मारा। भाई तू प्यार मांगने जा रहा है कि भीख? ये पहन, अब लग रहा ना हीरो। तुम ये सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहे ना? अगर मुझे पता ही होता कि तुम्हें कैसे इम्प्रेस करना है तो मैं कर नहीं लेता। राघव की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है लेकिन डिटेरियोरेट भी नहीं हो रही है। लेट्स वेट एंड वॉच। भाई ये कौन है? हम सबका बाप डेरिक। कुछ नहीं मैंने कहा देना कपड़े। ओ अन्नी, अरे यार सुनो तो। अरे हाय, आज मेरे सीनियर ने भेजा है। हद करने के यारों हार या फिर पार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे। Oh, better now. Bye. Next. सुंदर श्रीवास्तवा, ऑल इंडिया रैंक 92. रैंक छोड़, स्पोर्ट्स में कुछ है? Dramatics? No. हटा इसको. अनिरुद्ध पाठक, ऑल इंडिया रैंक पूछा तेरे को? स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर. क्रिकेट एंड फुटबॉल भी खेलता है. किस हॉस्टल से? लूजर्स. बुला इसको. मैं खुद मिलूंगा इसे. अंदर से और भी अच्छा लगी. तू सोच रहा होगा कि इंस्टीट्यूट तो सेम है, फिर सिर्फ H3 इतना चकाचक क्यों है? अरे भाई, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं. अब अगर उनको H4 जैसे हॉस्टल में ठहराया तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? चाय पीगा? We are the face of this institute. और इंस्टीट्यूट अपना फेस चकाचक ही रखेगा ना. चल, कल बैग लेके आ जा. तुम ना पागल हो. कल तक तो तुम्हें H3 जाना था, आज क्या हो गया? पता नहीं, H4 छोड़ने का मन नहीं कर रहा यार. इतना क्या सोच रहे हो? 2 महीने ही तो बिताए हैं तुमने H4 में. तुम्हारे साथ भी तो 2 महीने ही बिताए, फिर तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम क्यों डिस्कस कर रहा? बॉन्डिंग से हो गई यार. पता है, जब मम्मी के घर से लड्डू आता है ना, तो सिर्फ उसके लिए नहीं आता, हम सब के लिए आते. और जब एसिड एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता ना, तो हम सब खुशी खुशी इसकी गालियां खा लेते हैं. और टक्सर चाहे कैसा भी हो, रात को 3 बजे उसको बुलाओ, दरवाजे पे खड़ा मिलता है. क्या बोलोगे उसको? फैमिली. एग्जैक्टली. और यार फैमिली कैसी भी हो, उसको छोड़ा तो नहीं जाता ना. लोग मरते हैं H3 में आने के लिए, तू सामने से ना बोल रहा है. इतनी औकात कैसे होगी तेरी, साले फ्रेशली? Look, I'm really sorry. Sorry? अबे सॉरी तो खुद को बोलेगा हर साल. डेरिक की तरह उसने भी यही एटीट्यूड दिखाया था. H3 आता तो विनर्स की तरह जीता. अब साला 3 साल से सड़ रहा है ना, लूजर्स के टैग के साथ. ए, तू भी सड़ेगा. चल निकल. सुना नहीं क्या? घूर क्या रहा है? चल. Excuse me. Yes, sir. I'm looking for Anirruddh Pathak. वहाँ mess में. सारे losers एक साथ. एक छत के नीचे। अबे टकले, लूजर किसको बोल रहा है? क्या मोटे, अपने बाप को टकला बोल रहा है तू? टेरिक? कैसा है? खाने के बाद दारू पीता है? जी, मैं पहले और साथ में भी पीता था। ये टेरिक था, हॉस्टल का सबसे बड़ा लूजर और हम सब का नाजायज बाप। 60 ml वोडका, 40 नारंगी और 20 सोडा। ये क्या है? सबको नसीब नहीं होता टेरिक स्पेशल। लेकिन यहाँ क्यों? इतनी रात को और कहाँ बर्फ मिलेगी? वो लिक्विड नाइट्रोजन है, आइसोथर है। सर ये बर्फ ही है ना? एडिसन को बल्ब के बारे में पूछ रहा है? नहीं। सर वो रैगी कह रहा था कि आपको भी S3 वालों ने ऑफर किया। कुत्ता है साला रैगी। दूसरे हॉस्टल्स के अच्छे प्लेयर्स को H3 ले जाता है और GC जीतने का क्रेडिट खाता है। GC? जनरल चैंपियनशिप स्पोर्ट्स। हमारे इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स भी आते हैं? तो तुझे क्या लगा यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है? और तुझे क्या लगा कि हमें लूजर्स इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारे कमरे छोटे हैं और हमारा मेस बेकार है? मतलब जीसी इतने इम्पोर्टेंट ना होती तो 10 हॉस्टल 2 महीने के लिए 30 स्पोर्ट्स में कम्पीट ना करते। इम्पोर्टेंट ना होती तो दूसरे हॉस्टल्स के लिए प्राइड और हमारे लिए हर साल इज्जत का सवाल ना होता। इतना खराब खेलते आराम कर। मतलब हम लोग 15 साल में एक बार भी जीसी नहीं जीते? जीतना तो दूर की बात है, हम लोग हर साल लास्ट आते हैं। अब समझा? अगर जीसी जीत गया तो ये लूजर का टायर हट जाएगा। सोचना भी मत। 3 साल ट्राई करके देख लिया है। आपका लास्ट ईयर है, एक लास्ट ट्राई कर लो। छोड़ना, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा। तू नया आया ना, इसलिए तुझे चुभना है। 1-2 साल रुक के देख, चुभना बंद हो जाएगा। ये लूजर्स सिर्फ ताड़ते रहोगे या कभी आओगे भी बोर्ड में? अबे लूजर होगा तेरा बाप साले। दम है तो यहाँ पे आके बोल। मानो ना मानो, चुपता तो आपको आज भी है। आने की बात को मैंने 2 दिन तक सीरियसली सोचा, फिर लगा कि अगर इस साल कुछ नहीं किया तो ये बात सारी जिंदगी चुपेगी। तुम में से बहुत से लोग ऐसे हो जो H4 छोड़ के जाना चाहते थे पर तुम्हें जाने का मौका नहीं मिला। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम इस लूजर के टैग के साथ जिएं या इसे हटाने की कोशिश करें। अगर इस वक्त तुम में से कोई ऐसा है जो इस टैग के साथ खुश है तो वो यहां से बाहर जा सकता है। ट्रस्ट मी, कोई सवाल नहीं करेगा। एक बात मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं, कैंपस में ये लूजर का टैग सबसे ज्यादा चुभता है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज चुभती है और वो है उस टैग को हटाने की कोशिश ही ना करना। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं? Yes! क्या हम ये टैग हटा सकते हैं? Yes! क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? Yes! इस सालों अगर जीसी नहीं जीतेंगे तो लूजर का टैग कैसे हटेगा? क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? Yes! जो yes बोलेगा उसको डेरिक के अकाउंट से मिल्क शेक मिलेगा। क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? और फिर मिड सेम्स खत्म होते ही हमारे जीसी के सिलेक्शन शुरू हो गए। उम्मीद थी कि इस साल ढंग के फ्रेशीज आए हों। तूने तो कहा था तू टीटी खेलता है? खेलता था वो घर के डाइनिंग टेबल पर छोटी बहन के साथ। बहन से जीतता था या हारता था? स्टाइल तो खतरनाक है लड़के का। साला बॉल फेंक रहा है कि बम फेंक रहा है? कबड्डी 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 बस। ओए तू बाहर निकल बे। चल मैं लास्ट ब्रेथ तक कोशिश करना चाहता हूँ। तो तू ऑलरेडी सेकंड लास्ट ब्रेथ पे ही है। चल निकल निकल। ए कौन लेके आया बे पप्पा को? हाँ कैसा जग रहा भाई? ये तो मरमिट निकला। 30 सेकंड से अंडर वाटर तैर रहा है। भाई ये मर गया ना तो जेल हो जानी है। साले इससे अच्छा तो मर ही जाता। सिलेक्शंस खत्म होते तक हमें रियलाइज हो गया था कि जीसी में हमारी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। क्या डेरिक Losers are trying to be choosers. जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे हुआ नहीं। राघव रिस्पॉन्ड तो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्कैन्स उसके ब्रेन में स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। आई एम अ बिट वॉरिड। अब क्या करेंगे सर? कोशिश और कर भी क्या सकते हैं। अब क्या करेंगे यार? कोशिश और कर भी क्या सकते हैं। That's like the Clinton. यार मुंबई कितनी महंगी हो गई है। जेब खाली हो गई। तू शॉपिंग करके आया? मैं थोड़ी ना तैयारी करके आया था कि इतने दिन रुकना पड़ेगा। अंडीज लाया है। तुम लोगों का पता नहीं लेकिन मैं रोज चेंज करता हूँ। सुधर गया सेक्सा, पहले तो हर घंटे चेंज करता था। बंटी भी बूढ़ा हो गया ना भाई, उसे भी आराम की जरूरत है। अबे चड्डी लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इससे मांग लेता। इसकी चड्डी सुनने की आदत है ना तुझको। क्या चल रहा है? क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहा है कि राघव के ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ रही है यार। दवाई से बात नहीं बनी तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। तुम लोग टेंशन मत लो यार। मैं और माया तो हैं ही यहाँ पे। तुम लोग कब तक यहाँ पे अपना काम छोड़ के बैठे रहोगे? हाँ यू गाइस कैरी ऑन। ये काम भी कितनी चालू चीज है ना। जब काम को टाइम चाहिए होता है तो फैमिली एडजस्ट करती है ना। हाँ और फैमिली को टाइम चाहिए तो काम को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हे मैं रुक रहा हूं। ओके मैं भी। नो वन्स लीविंग। अनी सब रुकेंगे। ग्रेट गाइस, अगर भूख लगी हो तो खाना लग गया। थैंक यू भाई। अरे प्लीज कहानी तूने शुरू किया पर खत्म हम सब मिलके करेंगे। मेरे बिना खत्म नहीं कर पाओगे सालों। बेवड़ा तू साले बेवड़े। कैसे? बढ़िया बढ़िया। अच्छा हो गया तू आ गया, नहीं तो तुझे तो कहानी से निकाल दिया था हमने। ये बेवड़ा था हमारा सुपर सीनियर और लूजर नंबर 5। बताने की जरूरत नहीं लग रही कि मुझे बेवड़ा क्यों बुलाते। भाई साहब के कमरे में किताब से ज्यादा शराब खुलती थी। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। बेवड़ा ने हम सबको पीने में ट्रेन किया था। ट्रेन से याद आया। नहीं यार, ट्रेन वाली स्टोरी नहीं यार, अभी जीसी में आते हैं ना। सुन, जीसी पे भी आएंगे बेटा, लेकिन इस स्टेशन पे रुक के। हाँ, तो हुआ ये कि जनाब गर्मी की छुट्टियों में घर से वापस आ रहे। अब इतना लंबा सफर है तो इसका सूखे सूखे कटता नहीं है, तो ये पानी की बोतल में वोडका मिला के मस्त बैठ के पी रहा था। दादा थोड़ा पानी मिले, खत्म हो गया, बच्चे को प्यास लगी। पर बेवड़ा बच्चे को वोडका देता भी तो कैसे? लेकिन ये तो झूठा हो गया है। चलेगा, दे दो। नहीं मिलेगा। हाँ, हलकट मानुस है। उसके बाद दोनों मियां बीवी ने मिलकर बेवड़े का नशा और चट्टी दोनों उतार दिए से। पानी मांग रहे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? बच्चे के लिए मांग रहा है, मेरे लिए मांग रहा है क्या? अरे अक्कल नहीं तुला, बेशरम कुत्रिया। दे दीजिए ना भाई साहब। अरे पानी दिले तो पुण्य मिळेल, नाही तर नरकात पण नशीब नाही होणार। अहो हलकट माणूस आहे, जाऊ द्या। हलकट कसला? तू बेंडकाळ्या काय बघतो माझ्याकडे? नाही आहेच, पण बोलून कशाला तोंड खराब करताय तुम्ही? तुला पाणी देताय ना, तुला पाण्याला काय सोनं लागलंय? नाही, अशांचा तर मुर्दा बसला पाहिजे भीतर। मुर्दा कसला? पाणी पिऊन पिऊन दावड्या मुतायला चाललंय, तुला अक्कल नाही? अरे नाही वाड्या, तू उधर मुंबईला चपलीने मारीन बघ तुला। चांगली मारली मरून पडेल तिकडे। अरे यार, ऐसी गंदी गालियां तो एसिड भी ले लेता था। खैर, मेरे लेके हो गया हो तो जीसी पे कंसंट्रेट करे। हाँ, जीसी। उस साल भी हमारे हाथ फ्यूज बल्ब लगे थे। बस कुछ ही बंदे थे जिन्होंने उम्मीद जगा रखी थी। बेवड़ा इंस्टीट्यूट का करंट चेस चैंपियन था। अन्नी फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट में अच्छा था। शॉट और डायरेक्ट वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल और एथलेटिक्स में गॉड था। रजिया फंसी है गुंडों में, कैसे निकालेगा? और जिसे हम रूप की रानी समझ रहे थे। चल चल, रानी मटके में गई। तू मुझे दल्ला लेके दिखा। वो चोरों का राजा निकला। तो सबकी ले लेगा मेरी जान। इन सब के बावजूद जीसी हमारी औकात के बाहर थी। I wish you all the best, guys. जीसी शुरू हो गई थी और हमेशा की तरह H3 वालों ने सबकी लेना शुरू कर दिया था। और हमने सबको देना शुरू कर दिया था। Hey, Derek. अपने 3 साल तो तूने गवा दिए। इन सबका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जीसी में वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। जीसी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अरे तू बोलता भी है? मुझे लगा सिर्फ डायरेक्ट के पीछे दुमे लाके घूमते हैं। सालों, इतनी बुरी तरह से हराऊंगा ना कि अगले साल वही धूम दोनों टांगों के बीच में दबा के घूमोगे। अबे अंग्रेजी कुत्ते, तो अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? ये साले लूजर, तू मेरे को औकात दिखाएगा? कुत्ता है साला। भौंकने दे से। हाँ भौंकता हूँ, लेकिन जिस दिन काटूंगा ना, पेट में 14 तो पक्के हैं। जा बे जा, कल निकल जा। क्या जा, छाड़ उसकी जा। अन्नी, it's just sports यार। No, it is not. सिर्फ हमारे स्पोर्ट नहीं है यार, हमारे हॉस्टल की इज्जत का सवाल है। अरे हम यहाँ पढ़ाई करने आया है, स्पोर्ट्स को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? 4 साल ही तो निकालने। तुम्हारे सर पे लूजर का टैग नहीं लगा हुआ ना, इसलिए तुम बोल रही हो। और वैसे भी तुम्हारे सर पे लूजर का टैग तो लग भी नहीं सकता ना, क्योंकि तुम लोग तो पार्टिसिपेट करने से ही घबराते हो। क्या मिला पार्टिसिपेट करके? लूजर्स का टैग ही ना। हाँ तो लूजर का टैग चलेगा मुझे, डरपोक के टैग से तो अच्छा है ना कि हार जाएंगे इसलिए पार्टिसिपेट ही नहीं करते। नाउ यू आर गेटिंग पर्सनल। नो, यू आर गेटिंग पर्सनल माया। तो फिर जा ना, क्यों आते हो यहाँ बात करने? हाँ तो जा रहा हूँ ना, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। इससे तो अपने जीसी के बारे में सोचूं। टाइम वेस्ट हो गया मेरा। भाड़ में जाओ अन्नी। और हम डरपोक नहीं है। डरपोक नहीं है। अभी मम्मी से बातें क्या रहे, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता और चीयर करने के लिए हम सबके लिए लड्डू भेज रही हैं। हाउ स्वीट। बेसन के मेरे फेवरेट हैं। साले ये जिताएंगे हमको जीसी। यहाँ अपनी लगी पड़ी है और इसको बेसन के लड्डू खाने। छोड़ना यार। ये तू चुप कर, क्योंकि तेरे को तो बंटी से फुर्सत नहीं है। और साले तेरे बोलने पे मैं जीसी ने दोबारा कूदा और तेरा सारा ध्यान अपनी सेटिंग पे है। अबे तू हार की भड़ास हम पे क्यों निकाल रहा है? तू चुप कर एसिड। लौंडे कोशिश कर रहे हैं ना। एसिड तू चुप रहे। तू सुन, तू क्या इतना भड़क रहा है? तूने कौन से झंडे गाड़ दिए यहाँ पे? मेरी वैसी भड़क रही है। तू चुप। एक से बकवास कर रहा है यार। भाई भाई बैठ ना, भाषण दिए जा रहा है बस। एक सेकंड। ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला। हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें हार से सिर्फ बुरा लग रहा है, हमारी फट नहीं रही। जिस दिन फटेगी ना उस दिन जीत का रास्ता देखना अपने आप निकल के आएगा। क्या बोल रहे यार तू? अन्नी हमारे हॉस्टल की इज्जत दाव पे लगे तो फिर हम सबको भी कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा और कुछ ऐसा जिसको खोने की सोच से ना फट जाए। क्या बोलते हो? सालों को जीतना ही नहीं है। ठीक है, जब तक हम जीसी नहीं जीतते तब तक मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूंगा। जब तक हम जीसी जीत नहीं जाते सुट्टा बंद। ऐसे कि आंख गाली बंद, पेड़ा पीना बंद, सेक्सा टीवी बंद। ओके, बंटी की घंटी बजाना बंद। हाँ, माया से बातचीत बंद। जीसी जीतने के लिए हम सब ने प्लेज तो ले ली थी, पर फिर प्लेज ने हम सब की लेना शुरू कर दिया। आई स्वेर। प्रैक्टिस से होगा। होगा। प्रतिद्वंदी से हार सबसे बड़ा धिक्कार। नाक कटा कर घर मत आना कहता है परिवार। माँ के लाडले मदर बोर रख ले वरना हमारी प्लेज टूट जाएगी। हम हैं बरखुरदार बेबस और लाचार। जीवन के संघर्ष में होगा कैसे बेड़ा। कम ऑन यार, छोड़ो ना। अंतर मन की खिड़की खोल, जिगर जुटा कर हल्ला बोल। ऐसे डिफेंड करते तेरी माँ का। कंट्रोल ऑल कंट्रोल ऑल कंट्रोल कंट्रोल। लोभ प्रलोभ की हर फीलिंग आपकी माँ का फोन तब तक इग्नोर करेंगे। सर ऊंचा अपने कैरेक्टर जगा के यारो कस के लंगोट तपस्या हम घन घोर करेंगे। अगर लंगोट में होगा होल हट जाएगा अपना ढोल। जान से प्यारी इज्जत यारो इज्जत है अनमोल। मोल 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 ये कड़ी बनाई है तूने पहन के। क्या नो फोन करते हो नो फोन उठाते। बस आप लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही फर्क ला दिया, लेकिन थैंक यू कैसे खेल रहा है? क्या उखाड़ लिया हम लोगों ने प्लेज लेके? तू साले भूखा गया था क्या मैच में? मतलब 4-4 गोल खाए तूने कैसे भाई? और ये हम सारे बाहर बैठ के मैच देख रहे हैं, लेकिन एक बंदा था जो फील्ड के अंदर बैठ के मैच देख रहा था। ये कब वक्त? और तू अबे ये कॉरिडोर है, सामने जा, 3-3 बाथरूम है, पैंट उतार और हग ना। टी टेबल पे क्यों हग रहा था तू? ओए तू क्या फंडे दे रहा बे? तू तो खेल भी नहीं रहा है। लेकिन झेल तो रहा हूं ना भाई। अन्नी तेरे नहीं ले पाएगा मेरा बंटी इतना लोड। हेलो बेवड़ा, क्या फायदा हुआ यार मैच लेके? कोई मैच तो ऐसे भी नहीं जीत रहे। जीसी में तो ऐसे ही लगी हुई थी, अब बिना बात के अपने दोस्त की भी लगा दी। Is it really worth it? अच्छा I'm sorry यार, तुझे हमारी वजह से इतनी प्रॉब्लम सहनी पड़ रही। तू छोड़ ना भाई ये सब, प्लेज तोड़ दे, हमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा कसम से। वो दिन जब सब प्लेज ले रहे थे तो मैंने भी ले ली थी। सोचा था कि रूम में चुपचाप जाके पी लूंगा, किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन हो नहीं पाया यार। पहले भी कई बार छोड़ने की कोशिश की, तो तू जानता ही यार, माँ के लिए, बाप के लिए, वन साइडेड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, उसके कारण तो पीना शुरू किया था, पर छोड़ नहीं पाया यार। पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि छोड़ पाऊंगा, वो भी तुम लूजर्स के लिए। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने मुझे सिखाया कि दूसरों से हार के लूजर कहलाने से कहीं ज्यादा बुरा है खुद से हार के लूजर कहलाना। इस बार आजा पार, राघव की रिपोर्ट्स ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है मिस्टर पाठक। जीसी में हमारी सिचुएशन ज्यादा इंकरेजिंग नहीं थी, पर हम आसानी से हार मान लेने वालों में से भी नहीं थे। टीम मीटिंग अभी। तो जीसी में अभी तक S3 की मुर्गी 2 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीत के 17 पॉइंट पे डांस कर रही है, और हमारा मुर्गा एज ऑलवेज हमेशा की तरह 0 पे अंडे दे रहा है। तो सवाल यह है कि हमारा मुर्गा उनकी मुर्गी की लेगा कैसे, क्योंकि हमारे पास तो उतना टैलेंट है नहीं। मतलब हमारी तरह हमारा मुर्गा भी वर्जन ही रहेगा? नहीं, अगर हम लोग टिकड़म लगाए तो अभी भी उनकी ले सकता है। क्लियरली बोलना। तिकड़म नंबर 1, प्रेशर कुकर। सामने वाली टीम पे इतना प्रेशर डालो कि सीटी बच जाए सालों की। कैसे? बता दो। नहीं जाएगा बेटा, तू कॉन्सेंट्रेट कर। अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं जाएगा। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी पट्टी पड़ी, प्रेशर है। अरे मारना, मेरे को क्या देख रहा है, मारना पागल। अरे डर गया, हाथ कांप रहे, नर्वस हो गया। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो बात सिंपल है, अगर एक बंदा इतना प्रेशर डाल सकता है तो 25-50 ऐसे कमीने क्या करेंगे? साले जीसी में खेलने के लिए ढंग के 10 लौंडे तो मिल नहीं रहे, तू इतने बंदे कहां से लाएगा? भाई जब कॉलेज की कड़की में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के अकाउंट से मुफ्त का मिल्कशेक मिलेगा तो बंदे चीयरिंग छोड़ चांद तक ले लेंगे। बोल रहा हूं, कम ऑन कम ऑन, एक मैच की चीयरिंग में एक मिल्कशेक मुफ्त, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी बटरस्कॉच जो चाहिए ले लेना। आर्मी तो बन रही है, गोला बारूद भी तैयार है। ऐसे स्लोगन हो गया। अरे क्या बात है, चल फिर बाकी हॉस्टल्स की फट जाएगी सुन के। बॉयस, अरे ईस्ट और वेस्ट, एस1 इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, एस1 इज द बेस्ट। नॉर्थ और साउथ, गो शट योर माउथ। एक और है, इससे भी ज्यादा तगड़ा है। 1 2 3 4 H4 H4 1 2 3 4 H4 H4 H4। मेरे पास भी एक है, तेरा स्लोगन सुन के हम सब हुए बेबस, इवन वाहेगुरु कांट सेव अस। अभी लिखा, तेरे से बेटर लिखा। अबे साले पूरा एक दिन दिया था तेरे को और तू पॉटी पे धनिया डाल के लाया। तेरी भाई, हमने तेरे को स्लोगन लिखने को बोला था, भजन ने क्या कर रहा है? यार मुझे ना गालियों के बिना फील नहीं आ रही है। भाई तेरे रगों में एसिड है, हमें चाहिए पेपर पे निकाल। अच्छा सुन, जितने प्रोफेसर्स ने तेरी ली है ना, उनके बारे में सोच, कुछ कर। और कितनी बार फेल हो गया? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मम्मी, प्रोफेसर रामानाथन का लगा। यस, फेलियर है तू, हमेशा लास्ट आएगा। पर्रा लगाएगा तू। यस। भाई ये ऐसे तो टाइटेनियम में भी छेद कर देगा। ऐसे 4-5 और लिखना प्लीज। थैंक यू मम्मी, सब कर लगा। खींच के पकड़, पकड़ साले को, चढ़ साले पे, ठोक साले को, कैसी साला। मैंने पूछा चांद से इसके जैसा, चांद ने कहा इसकी अम्मा की कसम। नहीं, नहीं, नहीं। Congrats, boys. Congrats, Annie. Annie. ऐसा क्या हो गया यार? उस दिन मैं चाहता ना तो अन्नी का पत्ता काट सकता था। Don't worry, माया, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। आज माया भी मेरी होती और तू भी मेरा होता। हाँ, sure. पर क्या करूं, मेरा दिल सोने का है, दिल्ली से हूं ना भाई। और हमारी इसी प्लेज की वजह से अन्नी ने वो चीज दाव पे लगा दी जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी है, तुम मैं। हमारा फायदा सिर्फ हमारी जीत में नहीं है, स्त्री की हार में भी है। इसलिए तिकड़म नंबर 2, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। घोड़ी कौन चढ़ रहा है? स्त्री का टीटी चैंप वेंकटेश। और घोड़ी की पूंछ में पटाखे कौन लगाएगा? माया। तू यहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रहा है? आई मिस यू। क्या? ऐसा अन्नी का मैसेज है। आई मिस यू टू। I know. ऐसा अन्नी के लिए मैसेज है। अगर इतना ही मिस कर रही हो तो एक फेवर कर दो ना प्लीज, फोन करो ना एक रात को 3 बजे। अन्नी थोड़ी ना बात करेगा। अन्नी नहीं, H3 का वेंकटेश, रूम नंबर 175। क्या है ना, कल उसका टीटी का मैच है। पुअर चाइल्ड, अगर बंदा गोल्डन आवर में नहीं सोएगा तो गोल्ड कैसे जीतेगा? कमीने हो तुम लोग। माँ भी यही बोलती है। हेलो। हेलो। कौन? आपकी फैन। क्या टीटी खेलते हो? ओफ, मुझे सिखाओगे? हैंडसम वेंकी, आज पूरी रात बातें करेंगे, पूरी रात। नाउ इमेजिन जस्ट यू एंड मी ऑन द टीटी टेबल ऑल नाइट लॉन्ग। इनको देख। Come on, Mickey, come on. क्या कर रही है? क्या कर रहा है यार? Guys, ये हारने वाला मैच नहीं था। हम एज 8 से कब से हारने लगे? हाँ? I know तुम थैंक यू बोलना चाहते हो। कोई बात नहीं, बस एक पेस्ट्री खिला दो। बैठो। एक वो टाइम था जब अन्नी और मैं एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, फिर भी एक दूसरे को समझ लेते थे। अब जितने भी बात कर ले ना, वो मुझे समझना चाहती है ना मैं उसको। गलती किसकी थी? शायद मेरी, शायद मेरी। जब जब उसको सॉरी बोलना चाहिए था मैंने नहीं बोला। जब मुझे अन्नी को इट्स ओके बोल के गले लगा लेना चाहिए था मैंने नहीं किया। खड़ा कवि था हमारे बीच, अब उस बेचारे की हालत वैसी हो गई है जैसे हमारे रिश्ते की हो गई है। कोई भी चीज इतनी नहीं बिगड़ती कि उसे सुधारा ना जा सके। ये हम सबने तुझसे ही तो सीखा है। तो दोस्तों, तिक्रम नंबर 3, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। पेश है लेकिन लाइन नहीं है। एक सेकेंड। क्रिस क्रॉस ऐसे फेंक जैसे स्टंप इधर आओ। उधर वाइट चली जाएगी। अब चलना फेंक इधर। मिलेगा मिलेगा क्रिस क्रॉस। कैसा है? साला देखता कहीं और है, फेंकता कहीं और है। तू देख के खेल भाई। अच्छा मांडो, आज खाना नहीं बनाना, आज उल्लू बनाना है। कबड्डी का मैच है अपना, चल। ऐसे ऐसे टेंशन नहीं है, एकदम भैंस की आंख। कोच लेके आए भाई ये लोग। ये करना क्या है? आलू की सब्जी बनाना सिखा। 4 आलू, 2 गुस्से में 4 आलू, 2 प्याज, 1 टमाटर। भाई काटना है। लगता है भाई कोई भयंकर स्ट्रेटजी पकड़ी उधर। तो भी यार हड्डी उड्डी संभाल के यार, कहीं टूट टाट ना जाए। H8 ने मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी। कबड्डी 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 जल्दी बना दे। अरे झबरा पकड़ इसको ए यानी टांग पकड़ इसकी। नीमा बना दे। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। H3 के साथ फुटबॉल मैच है, क्या होगा अपना? उनके मैराडोना और पेले को कौन रोकेगा? रुक जाओ चंद्रलेखा, ये जालिम दुनिया हमें अलग नहीं कर सकती। सिपाहियों अलग करो इन दोनों को। वापस आओ चंद्रलेखा। मैराडोना और पेले को रोकना है, ये रोकेगा। ये देखो रागी यहाँ पे। कमान रागी बस, रागी यहाँ दे, रागी यहाँ दे बस, रागी खुद गिरा। अरे छीटे यार, फिर हत्या कर। अरे रख कुछ भी यार। अरे यार क्या कर रहा है? मैंने ऐसी फालतू में कुछ भी करा। पहले गिल कबड्डी 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 डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा बना दे। 2 दिन का भरता बना दे। टेक्नी बना दे, टेक्नी सीमा बना दे। इसको मसल के रख दे एकदम। कमान यार, रैप पेनल्टी नहीं है यार। रैप प्लेयर चीटिंग है, साला लूजर चीटिंग कर रहा है यार। कमान यार यार। अरे पांडू को लाना था। साला इज्जत की मारेन हो गई। ओ अंकल ड्रिंक तो पिलाओ। देखो कोई अपनी हार भुलाने आया है। हाँ तो बेटा, मैं हारने की आदत नहीं है तुम्हारी तरह। अबे कुत्ते ने तो बोला था कि काटेगा ना, ये तो भौंक रहा है। ए आसिड, अपनी औकात में रहे वरना इतना मारूंगा ना। अबे अभी अभी तो अपनी मरवा के तू क्या मारेगा? साले हट। H3 भूत तो नहीं कहा। तरीका इनको मिल गया है बम्बू, इनका गिर गया है तंबू। तरीका इनकी खड़ी हो गई खाट, इनकी लगने वाली मार। Guys, भारी क्यूट है कम्मो। वहाँ पे H3 के 6 लड़के थे, तूने पंच मारा वो भी खुद को। कैसे भाई? बे सालों, मजा आ रहा है तुम लोगों को? नहीं भाई। कैरम का क्वार्टर फाइनल का मैच है इसका शाम को। कैसे खेलेगा सोचा किसी ने? डेरेक, दर्द हमें दर्द सिर्फ तब दे सकता है जब हम दर्द को दर्द देने की इजाजत दें, और आज के मैच में मैं ये हक दर्द से छीनता हूं। वो आएगा, मेरा दरवाजा खटखटाएगा, लौट जाएगा। ये एक मर्द की जुबान है, मर्द की। मुझे लगता है इसको सर पे भी चोट लगी है। उस दिन मम्मी को ब्रेवरी के लिए फुल पॉइंट्स मिले थे, पर H4 को कैरम में 0 पॉइंट्स मिले थे। सॉरी यार, मम्मी का गोल कैलकुलेट किया था। साला अब जीसी में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं से गोल लाना पड़ेगा, नहीं तो जीसी तो गई। इतने स्पोर्ट्स बाकी हैं, कहीं से एक एक्स्ट्रा गोल निकालना। कहां से लाऊं? सब तो कैलकुलेट करके बैठे हैं। ये जैवलिन कोई चांस नहीं, हैमर थ्रो कोई चांस नहीं, बचा ये 42 किलो वेट लिफ्टिंग जो कि सिर्फ नाम का है। 10 साल से कोई पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहा। क्यों? 42 किलो का लौंडा कहां से लाएंगे? हाँ? अरे सरकारी हरकत क्या कर रहे हैं, पूरा भरिए। अरे आपकी बॉडी इतना दूध नहीं पचा पाएगी। अरे हमारी बॉडी हमसे ज्यादा आप थोड़ी जानते हैं, पूरा भरिए। अरे ना तेरा वेट कितना? उस घड़ी के बिना 44 किलो। हाँ पता है हमको, बहुत कम है। नहीं रे, 2 किलो ज्यादा है। चल लेजना नहीं होती ना, मैंने 4 झटके में 2 किलो घटा लेता। ऐसे नहीं लगता हवा इसको लेके जा रही है। अबे ये साला 2 किलो घटाएगा कहाँ से? भाई वेट लिफ्टिंग में गोल पक्का समझ। पर मुझे वेट लिफ्टिंग तो आती ही नहीं है यार। अबे जाके 100 ग्राम भी उठा लियो, गोल्ड मेडल जीत जाएगा। तेरी कैटेगरी में कौन आने वाला? रुकने को किसने कहा? और तेज। एक किलो ओवर वेट है भाई। चलो ठंडे भाई, समझना भाई, देख कल रात तक तू सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट था, 150 ग्राम हक दे, बात खत्म, चांस नहीं ले सकते ना। अंदर कुछ डालने नहीं है दिया तुम लोगों ने, निकालूंगा क्या? अरे नहीं, देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। ओके, और 42 किलो कैटेगरी में H4 के अभिमन्यु राठौड़ और H10 की दुलारी पित्रोदा। ओए, ये गुगली कहां से आ गई? क्यों हमारे पेट पे लात मार रही है? मुझे क्या पता था तुम लोग 42 किलो का हीरा ले आओगे। देखना अगर विड्रॉ कर सकती है तो। टू लेट यार। कह रही है इट्स टू लेट। भाई अब ये डंडा तेरी जिंदगी का वो मोड़ है जहाँ पे हॉस्टल की इज्जत नहीं, अपनी इज्जत के बारे में सोचना है तुझे। हाँ बेटा, क्योंकि अगर तू वहाँ पे उस लड़की से हार गया ना, तो ये जल्लाद पूरी जिंदगी तुझे ठंडा करेंगे। ठंडे मारूंगा, बता रहा। नहीं चाहता ना बेटा, जा बचा ले अपने आप को। जय श्री राम वाली मैया की। हाँ बेटा, थोड़ा एनर्जी बचा के। पकड़ पकड़। अबे सेक्स और लड़की है। बेटा बचा ले अपने आप को। डंडा के गोल से हॉस्टल की शान वापस आ गई थी और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर हॉस्टल की जान वापस आ गई थी। जैसे जैसे जीसी आगे बढ़ रही थी, सारे हॉस्टल्स की धड़कनें बढ़ रही थी। हर साल की तरह H3 सबसे आगे था, पर पहली बार H4 सबसे पीछे नहीं था। और अब H4 H3 के साथ आंखें चुराकर नहीं, आंखें मिलाकर बातें कर रहा था। बहुत सारे स्पोर्ट्स में तो हम तिकड़म लगाकर जीते रहते। मक्खन की तरह ये बात, मक्खन। हेलो, सो रहे थे क्या? पकड़ साले को, चल साले पे। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स ऐसे भी थे जिनको हम टैलेंट के दम पे जीते रहते। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि पहली बार हमारे जीसी जीतने के चांसेस नजर आ रहे थे। क्या कहते हैं? चांस है? चांस तो है, थैंक्स मैन, तू नहीं होता तो। अरे यार, थैंक्स टू यू। गाने तूने शुरू करी, खत्म हम सब साथ में मिलके करेंगे। और जीसी खत्म होने में अब बस एक दिन बाकी था। भाई हमारा मुर्गा तो बड़ी नजदीकियां बढ़ा रहा है मुर्गी से। Cheers। बेबड़े, पानी है ना? अरे हाँ भाई। कल माँ की बोली सुनने को मिलेगी, कल माँ की गाली बकने को मिलेगी। कल पहले प्ले बॉय होगा, फिर बॉय के साथ प्ले होगा। एक सेकंड, अभी जीसी खत्म नहीं हुई है। कल लास्ट 3 फाइनल है और तीनों फाइनल्स में हमारी टक्कर H3 के साथ है। और S3 हमसे अभी भी 5 पॉइंट आ गए। अगर हम तीनों गोल्ड जीत गए तो हमारा टोटल स्कोर होता है 75 और H3 का स्कोर होता है 74। मतलब समझ रहे हो, लेकिन एक भी मैच हार गए तो हम जीसी हार जाएंगे। चेस बेवड़ा संभाल लेगा, रिले डायरेक्ट है, एसिड है, लेकिन ये बास्केटबॉल, इसके बारे में किसी ने कुछ सोचा है? अबे तू है ना टीम में मेरी जान। नहीं यार, S3 को बास्केटबॉल में हराना आसान काम नहीं हुआ। Anyways, we must take rest now. कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर पाठक, आपको डॉक्टर ने बुलाया। राघव के ब्रेन में स्वेलिंग और बढ़ गई है। अब ये तो स्टेबल है, तो हम कल सुबह तक और वेट करेंगे। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो हमें कल सुबह सर्जरी करनी पड़ेगी। बट वी हैव नो अदर ऑप्शन। ये कंसेंट फॉर्म साइन कर दीजिए प्लीज। कंसेंट फॉर्म? अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को कुछ हो गया तो? मिस्टर, बेटा अभी हमें जाना पड़ेगा। बाकी कल। लेकिन पापा बस एंटी तो बचा है। नहीं बेटा, डॉक्टर ने कहा यू नीड टू रेस्ट। देख छोटे, ना हम कहीं भागे जा रहे हैं और ना तू। हाँ, और वैसे भी वो रात हम सब ने बड़े सस्पेंस में निकाली थी। तू भी थोड़े सस्पेंस में निकाल। Don't worry guys, कल सब ठीक होगा। पता नहीं यार, पर बात यहाँ तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी, तो मेरी वजह से हुआ। Hey, don't be so hard on yourself. He's right. तू तो बहुत cool लड़ है यार। Cool हूँ ना मैं बाप। वो बॉटल देख रहे। मैंने राघव को कहा था कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन बाप बेटे मिल के पिएंगे, और उसको ये तो बोला ही नहीं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बातें नहीं करना चाहिए। बेटा इतने मार्क्स ले आओ, ये वाला कॉलेज मिलेगा। बेटा वो कॉलेज चले जाओ, ये वाला जॉब मिलेगा। अरे 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। उसकी तैयारी तो कभी की नहीं। उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं, वो लाइफ में फेल हो रहे हैं। भाई तेरे से आज अगर पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए, राघव की इंजीनियरिंग में सीट, या कि मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ जाए, मैं तो अपना बच्चा ही मांगूंगा ना यार। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सॉरी, एक्सक्यूज मी। Hey, Vedant है, wanna talk to him. Hey buddy, आपको मेरा प्रॉमिस याद है? हाँ वही कि मैथ्स में A+ लाओगे तो आपको बाइक दिलाऊंगा। बट यू नो व्हाट, जस्ट वांट टू टेल यू कि आप कोई भी ग्रेड्स लाओ, B+, C-, डजंट मैटर, मैं आपको फिर भी बाइक दिलाऊंगा। No, Daddy is not kidding. Beta, I love you. मैं गलत थी। तुम बहुत अच्छे फादर हो। Sorry. I'm also sorry. कोशिश करता तो शायद एक अच्छा हस्बैंड भी बच जाता। I think you should sleep. तुम भी जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। Yes, doctor. Raghav had severe convulsions, जिसके कारण ब्रेन में ब्लीडिंग बढ़ गई है। As an emergency procedure, we have to take him for surgery now. Sir, kitna time is surgery ko, sir? Around 15 minutes to prepare the operation theater. Kyun? Sir, मुझे पता है कि आपको लग रहा है कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। क्या राघव के साथ सिर्फ 10 मिनट हमें मिल सकता है सर? प्लीज सर, एक्चुअली उसके लिए एंड जाना बहुत जरूरी है सर, प्लीज सर। मिस्टर पाठक। सर सिर्फ 10 मिनट सर, 10 मिनट सर, प्लीज। I don't believe you. I believe him, sir. It's important. Please. So, ready for the climax, Kammo? काफी लंबा खेल खेल गए हैं लूजर्स। इन्हें 3 गोल्ड चाहिए ना, मैं इन्हें एक भी नहीं जीतने दूंगा। अंदर आने के लिए नहीं बोलेगा? साले, तू जीसी के चक्कर में अपनी दोस्ती भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। रिलैक्स, बेस्ट ऑफ लक बोलने आए तुझे। यू गाइस आर प्लेइंग रियली वेल यार। ये कल जीत गए तो खुशी में पी लेना, हार गए तो गम में। लेकिन यार कल के पहले मत पीना। Let's have a fair fight. सुबह चेक किया था? चेक खुद तो नहीं किया था लेकिन वो ठीक हो गया यार। कहाँ हैं आपके प्लेयर? सर बस 5 मिनट में आ रहे थे। और आएगा तादिया। सर ये किस? कहाँ है बेबी? तू पी क्या? थकना यार। अन्नी, तू निकल तेरा मैच है। ए साले अब तो टेंशन भी ले रहा है यार। ये रेस अपना है, मीडियम पेस पर रखना अपने 150 मीटर, ठीक है ना? तो तुम अबे बोला देख के यार, सॉरी तो बोल। सॉरी इजी 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 इजी, इट्स एन एक्सीडेंट। सॉरी बोला, दिखता नहीं तुम लोग को। हे यू ओके मैम? यार ऐसे जीत के क्या फायदा? टेक केयर डेरिक। तुझे क्या लगा सिर्फ H4 चेयर कर सकता है? भाग पाया तू? भागना पड़ेगा। यमा जितना हो सके गैप कम करके दे। बेटा जीसी तो गई तुम्हारी। तूने तो मिस्टेक की। एक, तुझे लगा कि मैं पी के आया। कास्परोव के गेम से स्टडी नहीं की, वरना वजीर की सेक्रीफाइस तो मैं शराब पी के भी नहीं करता। चेक। साले प्रिविलेज। सिर्फ 6 सेकंड बाकी है। वो लोग अभी 2 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। तो मुझे पास देना, मैं 3 पॉइंटर ट्राई करूंगा। नाइस। इतनी कोशिश के बाद भी आप लोग हार गए। आप लोगों का तो मर जाने का मन क्यों होगा ना। क्योंकि उस दिन के बाद हम लूजर रहे ही नहीं। Guys, 1 second. Hey, champs. Well played. No, really. Well played. For H4, boys. तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ Okay guys, time to take Raghav now. अच्छा सुन मेरी बात सुन। अब जा और एकदम एक लूजर की तरह नहीं, एक फाइटर की तरह। पिछले कुछ दिनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है मैंने। हम हार जीत, सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है खुद जिंदगी। अगले साल मैं कॉलेज जा रहा था, मत पूछिए डिपार्टमेंट क्या था, ऑल इंडिया रैंक क्या थी। मैं खुश था कि मैं कॉलेज जा रहा था, नए दोस्त बनाने, अपनी जिंदगी जीने। आ गया साले फ्रेशी, लाइफ में से पढ़ाई की है कुछ और भी किया है? हिलाता है। अबे उधर क्या देख रहा है? खुशियों का महंगा सके जो कछुआ बनके कर जाएगा। हाँ, रैबिट बनके कर न सके जो कछुआ बनके कर जाएगा। सुनिए गाना कमाएगा बस खाने का पीने का जीने का बोले तो जिंदगी है शॉर्ट। अरे अरे पागल फिकर नॉट, 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 जो भी होना होने दे होने दे होने दे, अरे पागल फिकर नॉट। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, वो दिन भी क्या दिन थे, ओ वो दिन भी क्या दिन थे, ओ वो दिन भी क्या दिन थे। Hey